कांग्रेस में प्राण फूंकने आई प्रियंका, अरसे से कांग्रेसी प्रियंका को अगुआ बनाने की कर रही मांग। दिनों दिन राजनीति में सक्रियता बढ़ा रही प्रियंका गांधी। सोनभद्र नरसंहार मामले में धरने पर बैठी प्रियंका। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं द दस्तक 24। कांग्रेस में भले ही अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी ये कह रहे हों कि गांधी परिवार से कोई भी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन पुराने कांग्रेसियों को मानना है कि यही वो दमदार हथियार है जिसके बूते कांग्रेस को बुलंदी दी जा सकती है। अब सवाल यह है कि राहुल नहीं तो कौन? वैसे तो बहुत से ऐसे दिग्गज हैं जो राजनीति में अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर राजनीति चरम पर है। भले ही प्रियंका गांधी इस पद के लिए अभी तक तैयार ना हो, लेकिन उनकी राजनीतिक सरगर्मी यह बता रही है कि हो सकता है कि राहुल के अध्यक्ष पद के लिए न मानने पर प्रियंका को ही यह कमान सौंपी जाए। देखिए यह रिपोर्ट। कांग्रेस में पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रियंका गांधी को पार्टी की बागडोर सौंपने की मांग उठने लगी है, लेकिन नेतृत्व का संकट जल्द समाप्त होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को पार्टी की कमान संभालने के लिए मनाने में विफल होने पर पुराने कांग्रेसी अब प्रियंका का नाम ले रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, पिछले तकरीबन हर बार चुनाव में कांग्रेस की जब जब पराजय होती थी, कांग्रेसी प्रियंका गांधी को पार्टी में लाने की मांग करते थे। कभी इलाहाबाद में एक पोस्टर भी लगा था जिसमें लिखा था, मैया अब रहती है बीमार, भैया पर बढ़ गया है भार, प्रियंका बनो फूलपुर से उम्मीदवार, करो पार्टी का प्रचार। शायद इसी का नतीजा रहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने जमकर कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए पसीना भी बहाया, लेकिन इनका प्रयास कुछ खास रंग नहीं ला सका। इसके बाद भी कांग्रेसी प्रियंका को कांग्रेस की डूबती नैया का खेवनहार मान रहे हैं। पुराने कांग्रेसियों की पहली पसंद अब प्रियंका गांधी हैं, जबकि राहुल गांधी इस जिद पर अड़े हैं कि नया अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। हालांकि प्रियंका गांधी की ओर से राजनीति में बड़ी भूमिका को लेकर कोई संकेत नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने गुरुवार को नेशनल मंडेला को याद करते हुए एक ट्वीट कर इस दिशा में बहस जरूर छेड़ दी। आइए बताते हैं क्या है ट्वीट में। दुनिया को अंकल नेशनल मंडेला जैसे शख्स की कमी आज भी खलती है। उनका जीवन सत्य, प्यार और स्वतंत्रता का प्रमाण है। हालांकि प्रियंका की राजनीति का अपना एक जुदा तरीका है, खासकर राहुल गांधी से तो बिल्कुल इतर। वे आज भी जनता से जुड़ने की पुरजोर कोशिश करती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जनसंपर्क की बात हो, रैलियों की या फिर नौका यात्रा की, हर बार प्रियंका ने तमाम सुरक्षा चक्र तोड़कर भी जनता के बीच जाने की कोशिश की है। ताजा मामले में सोनभद्र में भूमि विवाद में हुए नरसंहार में प्रियंका पीड़ितों का हाल जानने बनारस पहुंची थी। यहां से सोनभद्र के लिए जा रही थी कि बनारस मिर्जापुर बॉर्डर पर नारायणपुर में जब प्रशासन ने उन्हें रोका तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। प्रियंका का इस अंदाज में बैठना ये बताने के लिए काफ़ी है कि वे अब सक्रिय राजनीति की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये अलग बात है कि बाद में प्रियंका को SDM की गाड़ी में बैठाया गया, उन्हें चुनार गेस्ट हाउस ले जाने के लिए पुलिस रवाना हो गई। फिलहाल प्रियंका की मौजूदा गतिविधि यह बता रही है कि वो सक्रिय राजनीति में आकर कांग्रेस में फिर से प्राण फूंकना चाहती हैं, बशर्ते कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिससे वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं। वैसे तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह दिनों दिन उनकी राजनीति में सक्रियता बढ़ रही है और पुराने कांग्रेसियों का दबाव बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस महासचिव की बजाय वे कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व भी निभाती दिख जाएं। ऐसा ही ताजातरीन और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए आप बने रहिए द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।